अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमकेएस म्यूज़िक फॉर यू। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने चैनल की तमाम तर जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो किस तरह कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह ए टू जेड मुकम्मल सेटिंग करके बताएँगे इस वीडियो में। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी कि आप चैनल की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से करता हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ से मैं करता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करें studio.youtube.com। तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ स्टूडियो। आप अगर सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये इंटरफेस होगा। तो ये मेरा पेज लोड हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ मैं कहता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये हमारे चैनल का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र बटन नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर दूसरे नंबर पर चैनल। तो सबसे जो मेन चीज़ सेटिंग होती है वही आपकी यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। यहाँ पर ऊपर कंट्री, तो यहाँ मैं कंट्री पे जाके अपनी कंट्री सेलेक्ट करूँगा, आपकी जो भी कंट्री हो। मेरी पाकिस्तान है तो यहाँ से मैं कहता हूँ पाकिस्तान सेलेक्ट। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेन चीज़ आप अपने चैनल का नाम, अपना नाम वगैरह जो अपने चैनल के हवाले से जो भी आप वीडियो का टॉपिक है उसके हवाले से यहाँ पर आप कीवर्ड डालेंगे तो आपका चैनल सर्च बार में शो होगा। तो यहाँ से मैं अपने जिस चैनल का नाम है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आपके चैनल का जो भी नाम हो आप वो यहाँ पर डाल दें उसके कीवर्ड इसी तरह। तो इसी तरह आप अपने चैनल के नाम के कीवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं तकरीबन 500 करेक्टर तक। तो यहाँ पर आप अपने चैनल के हवाले से मुख्तलिफ कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहेगी एडवांस सेटिंग, तो इसी के ऊपर जाके और यहाँ पर यहाँ ये पूछ रहे कि डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज ए फॉर किड्स, यानी आप जो कॉन्टेंट है वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ नो दिस चैनल सेट इज नॉट मेड फॉर किड्स। और यहाँ पर लिंक अकाउंट, यहाँ पर आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फीचर एलिबिलिटी, तो यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन है ये इनबल होता है। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है इसको इनबल करने है, यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और उसके बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। और उसके बाद गेट कोड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर हमें एक मैसेज आएगा और जो कोड हमें मिलेगा वो यहाँ पर डाल के हम इसको सबमिट करेंगे। तो ये भी हमारा फीचर है और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कोड आ चुका है और मैं यहाँ पर इसको इंटर करके इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा से कोड को करता हूँ कॉपी। इंटर करते हैं वेरीफाई। तो ये हमारा फ़ोन जो है वेरीफाई हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी वो इनेबल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला जो ये आपका आईडी कार्ड की
पिक्चर लेके वो अपलोड करें या फिर एक वीडियो मिनट की जो है तकरीबन अपनी वीडियो बना के वो अपलोड करेंगे तो हमारा ये तीसरा फीचर भी इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको बाद में करूँगा, तो यहाँ से इसको करता हूँ मैं सेव। तो ये जी हमारी सेटिंग चैनल की हो गई, और यहाँ से मैं बैंडिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पर अपने चैनल का लोगो एडिट करता हूँ। तो यहाँ से मैं तो इसको कहते हैं डन। तो ये हमारे चैनल का लोगो भी एडिट गया, और यहाँ पर हमारा जो चैनल टेम्पलेट या चैनल बर्नर बैनर होता है वो भी यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ, और इसको भी हम डन कर देंगे। तो अगर आपको चैनल टेम्पलेट एंड बैनर बनाना है तो वो भी मैंने मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसकी मैं लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर ये एंड स्क्रीन सीन होता है, ये भी यहाँ से मैं अपना लोगो डाल देता हूँ और उसको डन कर देते हैं। और दोस्तों मज़ीद और सेटिंग्स भी हैं जो आपको यहाँ पे करनी है, तो यहाँ से बेसिक इन्फो में जाकर और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने चैनल के हवाले से डिस्क्रिप्शन दें, कोई अच्छी डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा बैक जाके और यहाँ से फिर से हम चलते हैं इसके सेटिंग पर, और उसके बाद यहाँ से अपने चैनल सेटिंग, और उसके बाद यहाँ अपलोड डिफरेंट इसी के ऊपर आकर, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है एडवांस सेटिंग इसके ऊपर जाकर, और यहाँ से अपने चैनल की कैटेगरी को सेलेक्ट करें, आपके चैनल किस कैटेगरी की आए, आप कॉमेडी है हो या फिर व्लॉगिंग चैनल है या गेमिंग चैनल है, जिसका जिस टॉपिक पे आपको अपने चैनल बनाना है तो उसके यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आपको सेव के निशान पर क्लिक करना होगा। तो ये तमाम तरह अपने चैनल की सेटिंग जो आपने मुकम्मल कर ली है,